चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके रकांपा के अध्यक्ष शरद पवार आगामी विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र पर नियंत्रण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को अच्छे स्ट्राइक रेट से जीत दिलाने वाले पवार अपने कार्यकर्ताओं को अब इसी लक्ष्य के साथ विधानसभा में जीत के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बारामती के शिरसुफल गांव में गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका प्रयास महाराष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करना होगा, जिसके लिए उनकी पार्टी को साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी होगी। मालूम हो कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी रकांपा ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती हैं। इसमें पूरे महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। इस चुनाव में पवार की बेटी और एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती सीट पर लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पवार बारामती में लोगों से मिल रहे हैं और राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। आज लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लोग चुप रहे। हमारी पार्टी के पदाधिकारी मुझसे कहा करते थे कि लोग चुप हैं और वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने उनसे चिंता न करने को कहा और कहा कि भले ही वो अपनी बात नहीं कर रहे हों, लेकिन वो सही बटन दबाएं। और वही हुआ, जब ईवीएम खोली गई तो जादू दिखा और आप लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव नज़दीक है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 महीनों में राज्य में चुनाव होने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्रयास राज्य पर नियंत्रण हासिल करना होगा। इसे हासिल करने के लिए हमें विधानसभा चुनाव जीतना होगा। पवार ने याद दिलाया कि वो 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री, 1 दशक तक केंद्रीय कृषि मंत्री और 2 साल तक रक्षा मंत्री रहे हैं। ये सभी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आपकी सामूहिक शक्ति हो। पवार ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने उन विषयों पर बात की जिनसे उन्हें बचना चाहिए था।